कोरोना के मद्देनजर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आया है। जिसका जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार लोगों के बीच राहत सामग्री के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। लॉकडाउन की शुरुआत से, अब तो लॉकडाउन का दूसरा टर्म शुरू हो गया है, लेकिन जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस समय से ही वितरण करने की शुरुआत लोगों द्वारा की जा चुकी है। ऐसे में बात हम विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी साथ ही जदयू नेता और समाज सेवी एवं व्यवसायी भी ब्रह्मदेव प्रसाद की करें तो उनके द्वारा भी अपने क्षेत्र के साथ साथ जिले के कई वैसे इलाकों में जाकर के और लोगों के बीच जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो मजदूरी किया करते थे, उनके सामने भूखे रहने की स्थिति आन पड़ी है, वहां पहुंचकर उनके द्वारा अनाज दिया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा SDO कार्यालय में भी अनाज बड़े पैमाने पर दी गई। वो खुद हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या पहल की गई आपका? हमारे द्वारा अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हमने इस महामारी के दौर में जिस तरह से हमारे देश में 80% लोग प्रतिदिन कमाने के बाद खाते हैं, उनका अभी उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है, और जिसके निमित्त सभी तरह के प्रशासन द्वारा कोष का गठन किया गया है। उसी निमित्त मैं जिला प्रशासन के कोष में 10 क्विंटल अनाज दिया हूँ ताकि वो भुखमरी की स्थिति में उन लोगों को बचाया जा सके। और मैं बाकी लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो सक्षम लोग हैं, उनसे कि वो लोग भी इस महामारी में, इस विकट स्थिति में, संकट काल में उन लोग भी गरीब असहाय को मदद करें, ताकि दान का धन का 3 ही रूप है, दान भोग नाश। तो अभी भोग और नाश का समय नहीं है, यह समय दान का समय है, ताकि गरीब लोगों और असहाय लोगों का जीवन बचाया जा सके इस कोरोना महामारी में। आप ऐसे इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां पर लोग मजदूरी करते हैं तो अब शाम में अपने परिवार के साथ खाते हैं, उनकी क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? उन्हें अनाज भी आप दे रहे हैं? उन लोगों को ऐसे भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी राहत कार्य चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से भी उन लोगों को मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे चलते वो भुखमरी के कगार में है या उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। वैसे लोगों को हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं और कर भी रहे हैं कि उनके घर में जा करके हम लोग इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और उनके घर तक अनाज पहुँचाएँ, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके और उनको एक भरपेट भोजन मिल सके। इसका पहल हम लोग विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में करना चालू कर। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो आप अभी लगातार ये खबर आपको मिल रही होगी कि इस विपदा में भी वैसे कुछ डीलर हैं जो अनियमितता करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके मन में तनिक भी भावना या जागृत नहीं हो रही कि अभी समय सेवा का है जैसा आपने बताया, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मैं एक ही चीज़ आग्रह करना चाहूँगा कि बाकी दिन जीवन भर उन्होंने जो कुछ भी किया उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो अभी डीलर है, वो जो राशन का कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों को भी, जनप्रतिनिधि को भी और प्रशासन को भी इतना सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि इस विकट परिस्थिति में जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके अनाज को आप कालाबाजारी कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्याय है? निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उनके अंदर मानवता दिखता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर मानवता दिखता तो अनाज का कालाबाजारी नहीं करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो 100% अनाज अभी गरीब और लाभुक को दें, ताकि इस महामारी में उन लोगों का भोजन, परिवार जीवित रह सके, उनका पेट भर सके। वैसे लोग, मैं दूसरा टर्म जब लॉकडाउन का शुरू हो गया, 3 मई तक लॉकडाउन का PM ने आह्वान कर दिया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को बाहर महसूस करते हुए घर से बाहर निकल जा रहे हैं जबकि घर से निकलना बाहर खतरे से खाली नहीं है, ऐसे लोग से क्या अपील करना? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ कि वो इस महामारी की घड़ी में वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जिस तरह से युद्ध में लोग बाहर निकल करके लड़ाई करते थे पहले, या अभी भी कारगिल वगैरह में जो लड़ाई होता है वो बाहर निकल करके हम लोग लड़ाई करते हैं, सेना पे से मोर्चा पे जा करके, उस तरह हम लोग अभी जो मोर्चा हम लोग को है वो घर के अंदर रह करके मोर्चा संभालने की जरूरत है, बाहर निकल के मोर्चा नहीं संभालना है। अभी का जो युद्ध है वो निश्चित रूप से बाहर में एक ऐसा वेव चल रहा है, ऐसा वायरस चल रहा है,
जिससे बचने के लिए हमको घर के अंदर रख करके उससे युद्ध जीता जा सकता है। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो वो हमारे ऊपर जीत जाएगा, इसलिए उससे जीतने के लिए हम लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए। और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि उनको संयम पूर्वक घर में रहना चाहिए और नियमित रूप से अपने घर के परिवार के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आपने सुना कि हर सवालों का इनके द्वारा बेबाकी से जवाब दिया गया। इनका कहना है सीधे तौर पर कि आप खुद को भाव महसूस ना करें, या जिस तरह से बाहरी युद्ध होता है, मोर्चा पर डटना पड़ता है बॉर्डर पर, लेकिन यह आंतरिक युद्ध है, यह घर में रहकर हमें इस लड़ाई को लड़नी है और लॉकडाउन हमें रहना है। साथ ही इनका कहना है, वैसे डीलर जो है लगातार अनियमितता किया करते हैं, लेकिन इस विषम आपदा में भी उनके द्वारा इस तरह की जा रही है कि लोगों को अनाज देने से अभी भी परहेज कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है प्रशासन से कि वैसे लोग, वैसे डीलर को चिन्हित करके और मामूली FIR नहीं बल्कि देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हो और कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी विषम आपदा में जब सबको एक साथ होकर के अब इस महामारी के लिए लड़ रहा है, महामारी को मिटाने के लिए, ऐसे में उनका यह कृत्य करना बिल्कुल गलत है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो। साथ ही इनका कहना है कि अभी दान का समय है, सब कोई आगे आकर दान करें। अब इनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है, वैसे इलाकों में पहुंच करके जहां पर अभावग्रस्त लोग हैं उनको अनाज दिया जा रहा है। इनका अपील है सभी लोगों से, जिनके पास भी समर्थ है थोड़ा सा ही सही, और जिनके पास ज़्यादा समर्थ है वो ज़्यादा दान करके अभावग्रस्त लोगों को राहत पहुँचाएं। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।